आजर यह शिक्षादान प्रक्रिय आबद्ध चित्र कौन आम चिन्हा एवं आबद्ध चित्र क्या कहा जाए अथवा आबद्ध चित्र कहले आम कौन बुझु एमते आम को बही दि जा गुड़े छवि दृष्टि निक्षेप करवा तेबे आम आबद्ध चित्र कौन से संपर्क किछिटा तथ्य हासिल करिपरिबा एवं कहा को कुआ जाए ताहा भी मध्य हमें बुझी परिबा। ताहले पिला माने तुम्हें देखु थो एटी क ख ग घ छ चित्र गुड़ी करे माछ गुड़ तार जाली धरा घेरा जाई एवं सेति मध्यरु दुईटी चित्र जेपरी घ चित्र एवं च चित्र तार जाली द्वारा संपूर्ण रूपे या को बंद करा जाए ना तेबे एटी तुम्हें देखिपार एक बिलईटी बसी रही बिलईटी जदि माछ खाइबा उद्यम करे तेबे से क्यों चित्र पाखरे पहुँची से माछ को खाई तेबे आमे ये क्षेत्र में कहीपर कि घ नंबर चित्र एवं च नंबर चित्र रे बिलईटी पहुँच पारी माछ गुड़ी को से खाई यार अर्थ बुझापाई गले उभय घ एवं च चित्रटी संपूर्ण रूपे आबद्ध नुहे जहाँ फल कि बिलईटी से स्थान पहुँची माछ को खाई किंतु अन्य चित्र जेपरी क ख ग से भावे उ छ चित्र रे बिले माछ खाई पारिब नाही कारण ये चित्र गुड़ी को आमे आबद्ध चित्र बोली कही था। आबद्ध चित्र कौन बुझिले जदि गोटे समतल रे थिबा एक ज्यामितिक चित्र एक समतल रो एक अंश को संपूर्ण आबद्ध करे तेबे से चित्र को आबद्ध चित्र कुआ जाए। ताहले मने कर आमे एठी क नंबर चित्र को उदाहरण स्वरूप नवा ताहले आमे पढ़िले कौन ना जदि गोटे समतल रे थिबा एक ज्यामितिक चित्र ताहले गोटे समतल रे थिबा एक ज्यामितिक चित्र आमे एठी एक चतुर्भुज को नौछंती सेहिपरी भावे आमे एठी एक त्रिभुज को नहीं पारिबा एक समतल एक अंश को संपूर्ण रूपे आबद्ध करे ताले माछटी जो स्थान रे रही अछि अर्थात से अंश को ताहा संपूर्ण रूपे आबद्ध करुछि ताले ये क्षेत्र रे आमे एहाकु आबद्ध चित्र बोली पढ़ी पारिबा जेपरी ख चित्र को आबद्ध चित्र पढ़ी पारिले सेहिपरी भावे ख चित्र को मध्य आबद्ध चित्र बोली पढ़ी पारिबा। केते गुड़िए आबद्ध चित्र रो मध्य उदाहरण पर्यवेक्षित कर दि जाइछि सेगुड़ी उपरे वर्तमान पई आलोचना करिबा। एठी आमे माने देखुचंती ए बी सी डी यही परि भावे जेड पर्यंत अक्षर गुड़ी को लेखा जाइछि आमे एठी बिंदु गुड़ी को आमे सब देखिबा पई पाउचंती जेपरी ए रे एठी गोटे बिंदु दिया जाइछि सेहिपरि बी रे दुईटी बिंदु दिया जाइछि सेहिपरि भावे जेड पर्यंत बिंदु मान को नहीं एटी केते गुड़े सब चित्र तुम्हें माने देखी पारुथो एवं यही बिंदु गुड़िक निश्चित रूपे ताहा आबद्ध अटे एवं ताहा चतुर्भुज द्वारा आबद्ध करा जाइछि ताहले तुम्हें जो ये बिंदु गुड़िक देखुच ये बिंदु गुड़िक कौन ना ये बिंदु गुड़िक आम ब्रेल लिपि बोली कही था यही लिपि दृष्टिहीन व्यक्ति मान को शिक्षादान कर एवं पाठ पढ़ा संग को लेखिबा कार्य मध्य से माने करी परी थांदी लेखि दिया जाइछि जेपरी एक शब्द प्रकाश पी अक्षर आर अक्षर ए अक्षर के अक्षर से परी ए एस एच अक्षर गुड़ी को सज्जीकरण करा जाई यही परी भावे प्रकाश बोली लेखि दिया जाइछि ताले यहाँ को तुम्हें बारंबार अभ्यास करने द्वारा तुम्हें भी मध्य यहीपरी भाव लेखिपर तुम निज ना लेखिबा सांग को तुम सांग मानकर मध्य ना एवं तुम परिचित बा संपर्कित
तथा सम्बन्धीय व्यक्ति मानकर नाम मध्य लेखि पारिबो। जदि आमे क्रमान्वय जोड़ा कार्य करिबा ताले एठी तुम्हे माने देखि पारुथुबो एहा केते गुड़िया ज्यामितिक आकृति सृष्टि करिछि, केउटी चतुर्भुज सृष्टि करिछि बा केउटी त्रिभुज आकृति रे मध्य देखा जाउछि। ताले एठी आमे एक आकृति थाई एवं तहा आबद्ध थाई आमे एठी चित्र को स्पष्ट रूपे देखि पारुचंती। ताले एठी आबद्ध चित्र रो परिसर मध्य रे आमे त्रिभुज को कला पटारे स्थान दे यार परिसर को व्यापक करिबा। तेबे त्रिभुज कहा को कह जाए यहाँ को आमे पूर्व श्रेणी में पढ़ी आसी ताले तुम्हे माने देखि पारुथुब मु जो चित्र गुड़िक करिछि यही चित्र गुड़ी को आमे माने त्रिभुज बोली कही था। ताले त्रिभुज आमे कौन कहते ना तीन बाहू द्वारा आबद्ध चित्र। ताले चित्रटी प्रथमे आबद्ध होइथिबा आवश्यक तीन बाहू द्वारा आबद्ध चित्र जार तीनोटी शीर्ष बिंदु एवं तीनोटी कोण रही था ताहा को आमे त्रिभुज बोली कही था। ये विषय तुम्हें माने निश्चित रूपे पूर्वरु परिचित अच्छ। जदि ये त्रिभुज को आमे माने नामकरण करिबा तेबे प्रथम त्रिभुज को आमे क ख ग त्रिभुज बोली कही पारिबा। सेई परि भावे जदि द्वितीय चित्र को नामकरण करिबा ताले ये स्थल रे आमे प ह ब त्रिभुज बोली मध्य कही पारिबा। सेई परि भावे तृतीय त्रिभुज को आमे जदि एपरि भावे मध्य नामकरण करी या को च छ ज त्रिभुज बोली पढ़ी पारिबा। ताले एठी त्रिभुज दिया जाई या विभिन्न आकृति रे हमको देखिबा को मिलुछि। ताले वर्तमान हमर आलोचनार प्रसंग रहइबो कि त्रिभुज को कोण अनुसारे आमे केते भाग रे विभक्त करिथौ। तेबे आमे कहि परिबा कि त्रिभुज को कोण अनुसारे आमे तीन भाग रे विभक्त करिथौ। ओरी सम कोणी त्रिभुज सेही परि भावे सूक्ष्म कोणी त्रिभुज एवं अन्यटि स्थूल कोणी त्रिभुज। पूर्व क्लास रे आमे माने समकोण सूक्ष्म कोण एवं स्थूल कोण कहिले कोण या को बुझीतिले एवं एति सहित मध्य परिचित होइतिले। ताले आमे समकोणी त्रिभुज कहिले कोण बुझीबा ना आमे कहि पारिबा कि एपरि कि जेउ त्रिभुजर गोटिए कोण समकोण जेउ त्रिभुजर गोटिए कोण समकोण ताहाकु समकोणी त्रिभुज कहा जाए। ताले यही परी चित्रटी आमे नेइतिबा चित्र मध्यरु किछि जणा पडुछि कि ताले आमे देखिकरी कहि परिबा जे कि प्रथम चित्र रे या समकोणी त्रिभुज परि आमगु देखा जाउछि। ताले ये स्थल रे आमे कहि परिले कि जेउ त्रिभुजर गोटिए कोण समकोण अर्थात ये क्षेत्र रे प्रथम चित्र रे आमे एटी क कोणटी को समकोण बोली दर्शाई परिले बा यहार परिमाण 90 डिग्री बोली पढ़ी परिले।
तेबे क ख ग त्रिभुज को आमे समकोणी त्रिभुज बोली कहिले। सेई परि भाबे जदि आमे आउ एक त्रिभुज जहाँ कि सूक्ष्मकोणी त्रिभुज ताले सूक्ष्मकोणी त्रिभुज आमे का को कहितो ताले आमे कहि परिबा जेउ त्रिभुज रे प्रत्येक कोण सूक्ष्मकोण सूक्ष्मकोण कोण आमे बुझि चंदी जेउ कोणर परिमाण 0 डिग्री रु अधिक 90 डिग्री रु कम तेबे ताको आमे सूक्ष्मकोण बोली कहिथाउ। ताले ए स्थल रे आमे लेखि देई परिबा कि जेउ त्रिभुज रे प्रत्येक कोण सूक्ष्मकोण ताहाकु अर्थात उक्त त्रिभुज को आमे सूक्ष्म कोणी त्रिभुज बोली कहिथाउ। ताले ए स्थल रे आमे माने देखिबा पई गले प फ ब त्रिभुज या एक सूक्ष्मकोणी त्रिभुजर उदाहरण अटे जेउतिरे प कोण फ कोण एवं ब कोण या प्रत्येक सूक्ष्मकोण अटंती। सेई परिभावे त्रिभुजर आउ एक दिग को देखिले आमे स्थूलकोणी त्रिभुज निकटरे पहुँचिबा। ताले स्थूलकोणी त्रिभुज कहिले आमे कौन बुझि दउ स्थूलकोणी त्रिभुज ताले स्थूलकोणी त्रिभुज को आमे वर्णना करबा को जाई आमे कौन करि परबा ना जेउ त्रिभुज रे बा जेउ त्रिभुज र गोटिए कोण स्थूलकोण ताहा को स्थूल कोणी त्रिभुज कुआ जाय। ताहा को स्थूल कोणी त्रिभुज कुआ जाय। ये स्थल रे आमे देखिबा पई गले आमे स्थूल कोण पाइबा 6 बिंदुटा रे अर्थात 6 कोण को आमे स्थूल कोण बोली पढिबा। ताले समकोणी त्रिभुज सूक्ष्मकोणी त्रिभुज एवं स्थूलकोणी त्रिभुज दिया जाइतिले याकु आमे यही परिभावे विस्तृत भाबे आलोचना करी बुझै परिबा। जे एपरि आमे एक सारणीटिए प्रस्तुत करिबा एठी मु लेखुछि त्रिभुज लेखुछि एठी समकोण लेखुछि एठी सूक्ष्मकोण बोली लेखुछि एठी स्थूलकोण बोली लेखुछि या को आमे सारणी माध्यम रे परिप्रकाश करै आउ किछि तथ्य उपरे आमे ध्यान दबा जा आमे पढिले एवं वर्तमान आमे जहाँ भी देखु छथि तार आमे प्रथमे आसीबा समकोणी त्रिभुज पाखु। ताले समकोणी त्रिभुज रे केतोटी समकोण थाए ताले आमे टिके पूर्वपुर पढ़ीले कि एकटी समकोण रही थाए यदि गोटिए समकोण रहे ताले अन्य दुईटी कोण को आमे क्यों कोणर परिसर मध्ये ताको अंतर्भुक्त करिबा अर्थात ए स्थल रे बुझिबा पई गले आमे सूक्ष्मकोण दुईटी पाइबा अर्थात ख कोण एवं ग कोण सूक्ष्मकोण अटंती। या पूर्वर मध्ये आमे परिचित अछंती जे कि त्रिभुजर तीनोटी कोणर परिमाण समष्टि होउची 180 डिग्री यदि 180 डिग्री रु आमे माने समकोण अर्थात गोटे कोणर परिमाण 90 डिग्री यदि वियोग कार्य करिबा ताहाले ए स्थल रे आमे 90 डिग्री पाई पारु छथि एवं 90 डिग्री पाइबा को जाई आमे समकोण बा स्थूलकोण रे याकु विभागीकरण करि पाइबा नाही कारण दुईटी कोणर परिमाणर समष्टि
नितांत रूपे आमको 90 डिग्री आवश्यक अटे जहाँफल कि आम दुईटी सूक्ष्म कोण ही दर्शेवा कार्य करपर भाव आम कहीपर कि स्थूल कोण ये ना से भाव जदि आम सूक्ष्म कोणी त्रिभुज पाक बुझा तेल सूक्ष्म कोणी त्रिभुज कहा कहुए आम मैंने आलोचना करें जैक सूक्ष्म कोणी त्रिभुज प्रत्येक कोण हूँ सूक्ष्म कोण अर्थात त्रिभुज तीनोटी कोण अर्थात तीनोटी कोण हे सूक्ष्म कोण तेज समकोण नहीं बोली जानवा स्थूल कोण नाई जानवा से भाव जदि आम स्थूल कोणी त्रिभुज पाखक आसवा ये क्षेत्र में आम मैंने कहते कि जो त्रिभुजर गोटे कोण स्थूल कोण अर्थात स्थूल कोण आम गोटे पाईले जदि आम पूर्व आधार में जपरी करें जदि से भाव यह बुझा को प्रयास करवा आम एकानबे डिग्री यह एक स्थूल कोणर उदाहरण हो पार जो आम वियोग अर्थात 180 डिग्री रु यह वियोग वियोगफल आम के पाइले आम 99 डिग्री बोली पाइले 99 डिग्री को नजर में रखी बा 99 डिग्री को ध्यान में रखी आम मैने दुईटी सूक्ष्म कोण बोली पढ़ीपर ताहले ये सविशेष तथ्य पर आम आधारित हेले बा आम बुझने ले कि स्थूल कोणी त्रिभुज दुईटी सूक्ष्म कोण रही था एवं एकटी स्थूल कोण रही था जो स्थल कि समकोण आद न था यहीपर भाव कोण अनुसार त्रिभुज को वर्गीकरण कर यार समकोण सूक्ष्म कोण एवं स्थूल कोण संबंध में आम मैंने परिचित हो पारे ये स्थल आम नहीं त्रिभुज को जदि प्रोट्रैक्टर रे मापी यार कोण संबंध में परिचित रहा यार कोणर मापर परिमाण के स्थिर करवा तेरे प्रोट्रैक्टर रे आम यहीपर भाव तले नहीं रेखा जहाँ कि कख यार ऊपर रखी प्रोट्रैक्टर केन्द्र बिंदु तुम्हें देखिपी प्रोट्रैक्टर केन्द्र बिंदु जहाँकि तुम्हें पूर्व क्लास रु पढ़ी आसीच प्रोट्रैक्टर केन्द्र बिंदु एवं प्रोट्रैक्टर आधार रेखा यही दुईटी को दृष्टि रखी आम मैने कोण देखने आम ये देखापी पाँच कि यह लबे सूचौ अर्थात क कोण परिमाण लबे डिग्री ताले आम यहीपर भाव कोणर परिमाण माप करें अर्थात ख बिंदु आम 51 डिग्री यह पढ़ी पारे से भाव तुम्हे माने ग बिंदु रे प्रोट्रैक्टर को अवस्थित कराई एपरी भावे एक आधार रेखा सहित अर्थात प्रोट्रैक्टर आधार रेखा सहित मूल रेखाटी को समान कराई प्रोट्रैक्टर केन्द्र बिंदु को सठिक स्थान रे रखी तुम्हें एहार परिमाण निर्णय करिपरिबो आमे जानी था त्रिभुजर तीन कोण परिमाण समष्टि हूँ 180 डिग्री तेबे ये स्थल आम गोटी को 90 डिग्री एवं अन्यटी को 51 डिग्री पढ़ले अर्थात समुदाय उपरे आम यह मिसई 141 डिग्री बोली पढ़ले ताहले तृतीय कोणटी पाइबापाई 180 डिग्री रु 141 डिग्री वियोग करी आम यहाँ 39 डिग्री पढ़ले क ख ग त्रिभुज कोण गुड़ी को निर्णय करिबा कार्य करिले सेहीपरि भावे तुम्हें प फ ब रे अर्थात प फ ब त्रिभुज तुम्हें मध्य कोण गुड़ी को संभव करई पारिब अर्थात यार परिमाण स्थिर करि पारिब सेहीपरि अन्य एक त्रिभुज च छ ज को मध्य तुम्हें माने
परिमाण स्थिर करी कोण आधार रे आमे तीन प्रकार त्रिभुज पढ़ले से भावे बाहु अनुसार आमे तीन प्रकार त्रिभुज पढ़ी था सेगुड़ी कौन ना आमे कही परिबा समबाहु त्रिभुज सम द्विबाहु त्रिभुज एवं अन्यटी होला विषमबाहु त्रिभुज ताहले आमे एठी एक चित्र देखि पारु चंदी जेउ चित्र रे आमे माने देखि पारु चंदी क ख बाहुर दर्घ्य 5 सेंटीमीटर सेई परि क ग बाहु बा ग क र बाहुर दर्घ्य होची 5 सेंटीमीटर सेई परि अबे ख ग बा या को आमे ग ख बोली 5 सेंटीमीटर पडु छन ताले ए स्थल रे प्रत्येक बाहुर दर्घ्य होची समान ताले ए प्रकार त्रिभुज को आमे समबाहु त्रिभुज बोली पडि थाउ ताले क ख ग त्रिभुज को आमे सम बाहु त्रिभुज कहले समबाहु त्रिभुज बे जदि आमे लेखिबा ताले कोन की पर लेखि परबा ना जेउ त्रिभुज र प्रत्येक बाहु समान ताहा को समबाहु त्रिभुज कहा जाए जेउ त्रिभुज र प्रत्येक बाहु समान ताकु समबाहु त्रिभुज कहा जाए से भाव जदि आम द्वितीय चित्र पाक को आसवा एवं यार नामकरण करवा आम एटी प फ ब त्रिभुज ने जो थे कि फ बाया को आम ब फ बोली पढ़ी था जार दर्घ्य 3.8 सेंटीमीटर से भाव प फ बा फ पर दर्घ्य है 4 सेंटीमीटर से भाव प ब बा ब पर दर्घ्य हो 4 सेंटीमीटर ताले ये त्रिभुज आम लक्ष्य करुच्चे कि त्रिभुजर दुईट बाहु सामान रही एपरी स्थल आम बुझा गले ये धरणर त्रिभुज को आम समिबाहु त्रिभुज बोली कही था ताले जदि यहाँ आम लेखा कार्य करवा किपर भाव लेखा ना जो त्रिभुजर दुईट बाहु परस्पर समान ताहा को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाए से भावे विषमबाहु त्रिभुज कहा को कहा जाए ताले आमे एठी देखि परिबा जे कि एठी एक चित्र दिया जाए छी या को आमे एक त्रिभुजर नाम देले एवं एठी बाहु मानकर दर्घ्य जेपरि 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एवं 9 सेंटीमीटर एपरि बाहुर दर्घ्य केही खास सहित समान नहुंती एपरि क्षेत्र रे ये त्रिभुज को आमे विषमबाहु त्रिभुज बोली कही था।